जब तक तो संदीप भाई देवलगढ़ के कप्तान फिलहाल फिर सामना करेंगे देव। बढ़िया गेंद, बढ़िया मुस्लिम के ऑफ साइड में एक रन। जब तक अरविंद लोगाई गेंद के नीचे इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा पांच रन। एक ओवर की समाप्ति में पांच रन। राकेश जैसे क्लब बढ़िया गेंद और क्लीन बोर्ड तो अमित को मिलने वाली। वीरेंद्र बढ़िया गेंद उतना अच्छा सम्मान और टीम के कप्तान भी संभव था रॉयल सिकरा। बढ़िया गेंद हल्के हाथों से धकेला किसी भी तरह सात रन। प्रिंस ओवर द विकेट गेंदबाजी निकलने वाला पहला रोहित जीते पहला छक्का बाउंड्री और टीम का स्कोर जा पहुंचा 14 रन। तैयार 16 रन स्कोर बोर्ड पे। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे चार ओवर की समाप्ति में स्कोर 25 रन क्वार्टर सेंचुरी पूरी होती हुई। फिलहाल अमित अरे डरा मेरे यो सामना करेंगे वीरेंद्र के। वीरेंद्र बढ़िया है 27 रन रनिंग तो तेज कर ले बढ़िया फिर बढ़िया चल रहे तो फिलहाल ऑफ साइड पे तो लाजवाब बल्लेबाजी की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 रन। सही बात है। फिलहाल ऑफ साइड पे धकेला गेंद को अपना बैटिंग केज के नीचे रनिंग तेज रखना यार रनिंग तेज रखो बढ़िया थ्रो बिल्कुल बढ़िया खिलाड़ी। तो 35 रन पांच ओवर की समाप्ति पे भूमि आलेवत से खेलते गिराज आकाशदीप कमलपुर के लिए और क्लीन बोर्ड। बढ़िया गेंदबाजी बद्दी द्वारा लाजवाब गेंदबाजी काबिले तारीफ गेंदबाजी तो लगने वाला दूसरा झटका रॉयल्स को। तो फिलहाल मंजीत सामना करेंगे अंकित। बढ़िया गेंद ऑफ साइड पे तो बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी पवन जीते लग रहा है कि ये साफ से निकल मन के बढ़िया क्षेत्र रक्षण बढ़िया प्रयास आईआर के लोग आए बढ़िया 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 41 रन सिंगल मैच तो सात ओवर की समाप्ति में 42 रन। तो आने वाले तीन ओवर में कितने रन बना पाती है कल यही खेले बराबर। तो चले गेंदबाज अमित सामना करेंगे अमित तो अमित कौन अमित अंकित बढ़िया शॉट डबल डबल मंजीत गेंद के नीचे एक रन और बढ़िया थिरो बिल्कुल सटीक थिरो विशेष रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 45 रन।
फिलहाल छोटा सा उनका रनअप, बढ़िया गेंदबाजी गेंदबाज द्वारा। इस बार अंपायर को क्रॉस करें, उसका किसी भी तरह ऑफसाइड में गेंद को धकेला, एक रन से नहीं रोक पाए वहां पर, ऊपर खेलना चाह रहे थे मगर गेंद बढ़िया गेंद, छोटी गेंद भी ओवर की समाप्ति में, 9 ओवर की समाप्ति में 51 रन, तभी जाके आपकी टीम एक सफलतापूर्वक मंजिल जो होता है चमचमा के ट्रॉफी विराजमान आपका इंतजार कर रही है। इस बार और इस बीच वापसी जाना पड़ा, तेज फरार गेंद बाउंड्री लाइन के दूर और पार पहुंचाया जाए, गेंद को फिलहाल चले देखना होगा, अमित भारी पड़ते हैं नेता, और इस बार लगेगा गेंद को, वाह वाह सुनिए, और गेंद सीधा वन बॉल चौका आता हुआ, बढ़िया चौका, बल्ले का फेस खोला था और पॉइंट के ऊपर से बिल्कुल चार रन के लिए गेंद को निकाल गया। इस बीच तेजी से स्कोर भी अब लय पकड़ता हुआ रॉयल के लिए, आज अमरपाल अमित चले एक बार फिर, ओ इस बार किसी भी तरह गेंद को धकेला था पॉइंट के लिए, इसने एक रन और स्कोर हल्का सा आगे बढ़ता हुआ, 52 रन काफी धीमा रन रेट माना, विकेट के लिए शुभकामनाएं अमित भाई के लिए भी, बढ़िया गेंदबाजी करा रहे मगर उससे बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही अंकित द्वारा। इस बार अंपायर को क्रॉस किया और गेंद निकल के आया, गेंद को काफी तेजी का दूसरे लेना चाह रहे थे मगर कोई मौका नहीं, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ा, 59 रन यहाँ पे, तो बढ़िया गेंदबाजी कहा जाएगा। बढ़िया इस बार बढ़िया गेंद, गेंद को धकेला पॉइंट के बीच में से मगर बढ़िया क्षेत्र रक्षण, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला फिलहाल फ्रेंच ने, और टीम का स्कोर एक, यूके क्लब यूके रॉयल और कमलदीप के बीच, कमलपुर के बीच, इस बार पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाला और गेंद मारे का पास में 4 रन, बढ़िया क्लिक करा, छोटी गेंद थी, छोटा शॉट था, आउटफील्ड बहुत तेज होने के कारण डबल रफ्तार पकड़ती है गेंद और सीधा 4 रन के लिए, तो खाता खोलो लंबे रन आपके साथ, और इस बार धकेला गेंद को किसी भी तरह ऑफ साइड में, और पहला रन काफी तेजी के साथ, और एक ही रन से संतुष्ट, स्कोर हल्का सा और आगे बढ़ता हुआ, 7 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर पर गति में। वीरेंद्र तैयार अपने पहले लाइन से गेंदबाजी के लिए फिलहाल, अगला जो मुकाबला खेला जाएगा दोनों टीमें तैयार रहे, इस बार किसी भी तरह पॉइंट के बीच में से गेंद को निकाला था, समझ जाता हूं इस बार लग के नजदीक से रन लेने का मौका था, दोनों पलटे आसानी के साथ, दोनों ने कदम शैली के साथ रन पूरा करा, एक ओवर की समाप्ति में स्कोर बोर्ड 8 रन, कोई नुकसान, एक बार तैयार, ओ इस बार छोटी गेंद थी, लॉब से करना चाहते थे मगर संपर्क फिर कराने में पीछे रह गए, भाई तो जल्दी कर रहा है, तो बढ़िया गेंदबाजी जाए गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हावी हो सकते हैं फिलहाल, इस बार बढ़िया गेंद, और कल्याण भाई का भी धन्यवाद करते हैं आयोजन समिति, इस बार बल्ले का बाहरी किनारा खोला और तेजी के साथ 4 रन, क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज है फाइन लेग की दिशा में, और स्कोर तेजी से लय पकड़ता और 16 रन, कोई नुकसान नहीं फिलहाल कमलपुर को, कम से कम उनका 500वां वनडे, वो इस बार किसी भी तरह गेंद को धकेला और तेजी के साथ आउटफील्ड तेज होने के कारण 4 रन, बहुत ही सुंदर चौक, अनुभव का भंडार है फिलहाल नौगाई जो मुख्य अंपायर की भूमिका में, तो इस बार बल्ले का आउट आउटफील्ड तेज होने के कारण बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे, इतना आसान होता नहीं है मगर, और मिस फील्डिंग वहां पे हल्की सी मगर एक ही रन से संतुष्ट, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखा रहे दोनों बल्ले, राहुल फिर एक बार तैयार, लंबाई का पूरा फायदा उठाया राहुल, थोड़ा सा कद में छोटे हो गए थे, बढ़िया गेंदबाजी, जितनी ज्यादा तारीफ हो कम रहेगी फिलहाल, एक बार तैयार फिर, इस बार किसी भी तरह लंबाई की गेंद धकेला किसी भी तरह ऑन साइड में, पहला रन वहां पे काफी तेजी के साथ फील्ड होता हुआ था, कोई मौका नहीं दूसरे रन लेने का, 25 रन स्कोर बोर्ड, एक विकेट के नुकसान पे, राहुल भी खर्च करा आपने इस स्पेल में, पहला ओवर भी बढ़िया घटा था फिलहाल अंकित का, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करी थी इस बार, स्क्वायर के नजदीक से गेंद को धकेला था, स्पीड कम थी और आसानी के साथ फील्ड होते हुए एक रन से नहीं रोक पाए फिलहाल, स्कोर हल्का सा आगे बढ़ता हुआ 26 रन, एक बार तैयार,
अमित। और इस बार गेंद को फ्लैट सिक्स आता हुआ, सबसे छोटा ग्राउंड मिड विकेट और मिड ऑन की दिशा में 42 रन तेजी से स्कोर आगे, जिम्मेदारी निभा रहे हैं फिलहाल अमित। और इस बार फिर एक ऑल लीजिए, लीजिए सेम छक्का साहब, बिल्कुल टो कॉपी। 48 रन स्कोर बोर्ड, इंतजार कर रहे हैं एक बार फिर तैयार। ये लीजिए साहब, ये लीजिए, ये लीजिए साहब, तीन छक्के और शुभकामनाएं अमित भाई आपको। योगेश नौगाई की तरफ से नगद 500 रुपए की धनराशि आपके, अपनी काबिलियत पहले गेंदबाजी में और अब बल्लेबाजी में दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखिए आप किस तरह से कलाइयों का प्रयोग किया और फैन लेग की दिशा में गेंद को धकेल दिया एक रन के लिए, और नजदीक आते हुए मुकाबले के मात्र 4 रन दूर। अब गेंदबाजी क्रम तैयार, लंबे रन आपके साथ। ओ लीजिए साहब, हॉलीकॉप्टर शॉट, गेंद को धकेला था। ओ बढ़िया क्षेत्र रक्षण, एक बार लगा कि काफी आगे निकल चुके हैं मगर अपनी चतुराई दिखाई और सिंगल के साथ ही रोका था बल्लेबाज को। सेकंड राउंड में जितने भी टीमें अभी तक पहुंची है, 4 मुकाबले कल खेले गए थे, एक मुकाबला उद्घाटन समारोह में हुआ था और ये शायद दूसरा मुकाबला चलता हुआ, तो सभी उन टीमों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने ओ मौका बंद किया था यहाँ पे, क्योंकि बड़ा विकेट था वहां पे अमित का। एक बार फिर तैयार, अब प्रिंस है सामने, जिम्मेदारी प्रिंस को दे दी गई है। ओ 6 रन से जिताना चाहते थे मगर गेंद नीचे रह गई थी और इस बीच वापसी जाना पड़ा वहां पे प्रिंस। ओवर की भी समाप्ति, प्रयोग करा ज्यादा ताकत लगाई थी उन्होंने, गेंद को जज किया और उसके बाद मोड़ दिया था कलाइया। इस बीच ओ लीजिए साहब, फॉलो थ्रू में गेंद गई है, पहला रन काफी तेजी के साथ, मुकाबला फिलहाल बराबर होता हुआ अजी क्रम में, मात्र 1 रन दूर है आप इस इनिंग से, और इसी के साथ विजय प्राप्त कर लिए दोनों। बढ़िया रनिंग विनिंग द विकेट, तो कमलदीप कमलपुर को ढेर सारी शुभकामनाएं आयोजन समिति द्वारा कि आपने सेकंड राउंड में प्रवेश किया। और